हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं उन सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी कुलची चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया प्रीमियर मैं लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी ही सारे मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही है जो मुझे इस तरीके से मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए हर दिन प्रीमियर या फिर लाइव लेक्चर लेकर आने को। यहाँ पे दोस्तों आज हम करने वाले हैं टेस्ट, और आज जो टेस्ट का दिन है वो है दूसरा, और स्टडी का जो दिन है वो 65वां। अब दिन यहाँ पर 65वां मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ कि आपके लिए तैयारी भी साथ साथ में होती रहती है। तो इससे पहले वाले 64 दिनों की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं है, इन 64 दिनों की क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं, उन सब लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल आपको कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। जेरफ क्यों भाग रहे हैं, ड्रीम आ रहा है, जेरफ पारिस ने आप लोगों को नारा दिया, बहुत सुनने सुनारे के पीछे दिलों से लगे हुए हैं। टॉपिक आज का हमारा टेस्ट है, और आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए इसी के प्रयास में मैं हमेशा लगा रहता हूं, और उसी के मद्देनजर मैं हर बुधवार और शनिवार आपके लिए टेस्ट रखता हूं। बुधवार को पेपर 2 कॉमर्स का टेस्ट होता है, और शनिवार को पेपर 1 का टेस्ट आपके लिए रखा जाता है। एबी गुरजी चैनल का नाम है, यहां पे फेसबुक पे हमारा ग्रुप है जिसका नाम है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरजी। इस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह आपके लिए पूरे दिन में शेयर करते रहते हैं, और इसका आप बखूबी फायदा ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरजी नाम का, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हर दिन आपके लिए क्विज शेयर की जाती है जिसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकते हैं, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह फायदा लेना चाहते हैं, तो एबी गुरजी चैट ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी टेलीग्राम का ग्रुप है, ये एक स्पेशल ग्रुप है, और इसका हिस्सा बनने के लिए आप हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और उसके बाद में आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं और डिस्कशन वगैरह का फायदा ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको तो पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की लिंक यहां पे आपके लिए रखे गए हैं, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था। स्क्रीन पर टैप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर में एक आई बटन आएगा व्हाइट कलर का, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहां पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टैटिक्स हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दिया है, बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट करवा दिया है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चल रहा है, और भी काफी सारे टॉपिक जो हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। स्क्रीन पर ऊपर की ओर जो डॉक्यूमेंट जाते हुए आप देख रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपके साथ में टेस्ट के दौरान डिस्कस किए थे, तो उस टेस्ट को भी आप लोग जरूर दीजिएगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको इससे पहले वाला टेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहां पे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रख दिया है, टाइमिंग शुरू हो चुकी है और आंसर बताना शुरू करेंगे। डियर इस तरीके के क्वेश्चन देने के पीछे नेट के एग्जाम का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको पढ़ने में ही 50 से 60 सेकंड स्टूडेंट के लग जाएंगे, और स्टूडेंट अगर इसका ऐसे में गलत आंसर देकर आएगा तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी। क्वेश्चन सिंपल होता है, बस पढ़ने में ही टाइम लगने की एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं। हाँ जी, आंसर बताना शुरू करेंगे सभी डियर। और मुझे यार समझ नहीं आती कई बार टाइमिंग नालायक चलती क्यों नहीं है, हमने यहां से कमांड दे दी चलती नहीं, खैर चलो कोई बात। हाँ, आप सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया होगा, ध्यान से पढ़िएगा डियर, हिंट देता हूँ, ध्यान से पढ़ना, आप जल्दबाजी मत करना, एक भी अगर इसने आगे पीछे किया ना ऑप्शन को तो उसके कारण आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी, बाकी मुझे आप सभी पर भरोसा है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि आप सब सही आंसर दे दोगे। हाँ जी, आप सभी ने आंसर दे दिया होगा जी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर पूछा गया था। आपने ये वाला तो देखा था ना, ऐसे ऐसे करके आपके पास में ऐसे पिरामिड सा बना होता था, नीचे नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए ऐसे पूछा गया था। तो देखो जी यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास में सही आंसर बी आएगा। जिन्होंने बी दिया है आंसर उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, बहुत सही किया जी आपने। हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, सोशल नीड्स है, सेल्फ एस्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। उसी के साथ आप डी नंबर ऑप्शन देखते हो तो देखो सेल्फ एस्टीम को लास्ट में कर दिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को थोड़ा आगे लेकर चले गए, तो ये जो है थोड़ा सा चेंज गया, और ऑप्शन जो है वो आपके लिए यहाँ पर ये डी गलत कह दिया जाएगा। तो बी इसका सही आंसर था, ध्यान से देखना था इस क्वेश्चन को, और अगर आपने इसके अच्छी से अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप इसका सही आंसर दे सकते थे, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। और अब इंतजार काहे को करते हो, अटेंडेंस लगाओ ना डियर। हाँ, अटेंडेंस लगाओ, भूल जाते हैं कैसे कैसे स्टूडेंट। हाँ, भूलना नहीं, अटेंडेंस जरूर लगानी है। ठीक है सर, अटेंडेंस लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, योलॉजी, बहुत इजी क्वेश्चन है डियर, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ,
विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। हाँ जी, बिजनेस एथिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कहां पर लगा दोगे आप? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे लगाओगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट पे लगाओगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज पे लगाओगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल पे लगाओगे क्या? आप बता दो ना, बता दो, बता दो। हाँ जी, बता दो, थोड़ा सा सोचना, उसके बाद में आंसर देना डियर, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सोचने पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस आपको इन दिनों लग रहे होंगे कि यार इजी क्वेश्चन है, तो अभी इजी लग रहे हैं, चिंता मत करो, आगे जाके सारी चीज लेकर आऊंगा, मुश्किल भी लेकर आऊंगा डियर। हाँ, बस बने रहो आप मेरे साथ, टेस्ट देते रहो, मेरी पॉलिसीज है डियर इस तरीके की, धीरे धीरे आपको मुश्किलों की ओर लेकर जाऊंगा, अभी तो नन्हे मुन्ने हैं हम। हाँ, अभी एग्जाम भी दूर पड़ा है, सुबह वाली इंपॉर्टेंट वीडियो देख ली थी सभी ने, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ हाँ जी सर, सुबह वाली वीडियो देख ली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो है बी, वो है बी, वो है बी। हाँ जी, यहाँ पर देखो जी, बिजनेस एथिक्स की बात कर रहा है, एथिक्स कहाँ पर लगेंगे? जजमेंट पे लगेंगे भाई। मेरा भाई अगर खड़ा होगा तो क्या मैं जजमेंट चेंज कर दूंगा क्या? नहीं करूंगा जी। बिजनेस एथिक्स कहते हैं जो जजमेंट होनी चाहिए प्रोपोर्शनल ही होनी चाहिए, ये नहीं होगा कि मेरा भाई लगता है, मेरा सगा लगता है, ना जी ना, प्रोपोर्शनल जजमेंट होनी चाहिए, ये बिजनेस एथिक्स कहे जाएंगे। डायरेक्शन यहाँ पर बिजनेस एथिक्स से लेना देना नहीं है, स्कॉलर चेंज नहीं है, स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्रोपोर्शनल जजमेंट चीख चीख कर बोल रहा है डियर, चीख चीख कर बोल रहा है। एथिक्स की जहां पर बात की जाएगी वो जजमेंट में ही कही जाएगी, कुछ खास समझाने वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन था। और इसी बात पे वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, मैं देखता हूं कि स्टूडेंट वीडियो को देखता है लेकिन लाइक करना भूल जाता है, डियर वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, आंसर देना शुरू करेंगे। हाँ जी, ए हर्ज़बर्ग, बी मास्लो, सी एमसी ज्योगर, और डी है हमारे पास में पीटर एफ ड्रकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आंसर बताएंगे जी, आई गेस इन्होंने वो टाइमिंग शुरू नहीं की, पर कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर भी नलायकी दिखा देता है बीच बीच में, कभी मन करता है तो टाइमिंग शुरू कर लेता है, कभी मन करता है तो टाइमिंग शुरू नहीं करता है। ये जानता है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, इन्हें टाइमिंग की जरूरत है ही नहीं, ये तो एक मिनट से पहले ही आंसर दे देते हैं, इसलिए टाइमिंग वो शुरू नहीं करता है। चलो जी, इस क्वेश्चन के लिए तो वैसे भी टाइमिंग की जरूरत नहीं थी, जिसने पढ़ा हुआ होगा वो सही आंसर दे देगा, बाकी सोचते रहने से कहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत सही बात है, आंसर आएगा जी हर्ज़बर्ग, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, इसी का एक दूसरा नाम बता दो जी मुझे, दूसरा नाम बता दो आप मुझे। हाँ जी, क्या था वो दूसरा नाम? चलो जी, आपको 10 सेकंड दे देता हूँ, याद कर लो और भेज दो मुझे। हाँ जी, दूसरा नाम भी एक था जी हमारे पास में, कौन सी थ्योरी यहाँ पे इसका दूसरा नाम कहा जा सकता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये लो जी, 10 सेकंड हो गए हैं कंप्लीट, और आंसर है टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। ये लो जी, ये लो जी, ये लो, मैं खुद पढ़ाता हूँ ना कभी कभी, तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, हमारे टीचर भी होते थे ना, वो कहते थे कि आपके पास में इतना समय है, आप इसका आंसर दो, तो वो भी ऐसे ऐसे करते थे, एक, दो, तीन। तो मेरे को आज वो याद आ गया यार, मजा आ गया। चलो जी, कभी बात। तो यहाँ पर देखो जी, एक एक्स एंड वाई थ्योरी भी है हमारे पास में, एक्स एंड वाई थ्योरी, ये किसने दी है? ये सी ने दी है जी, ठीक है ना। चलो जी, ये मैंने आपको वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी थी। अब देखो जी, अब डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था, कुछ एक फुल फॉर्म मेरे सामने आ गई, तो वो मैं आपके सामने लिख कर ले आया जी। देखो, सार की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो भी फुल फॉर्म मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, कहीं ना के एग्जाम में आपसे पूछ गई है, तो क्यों ना आपके लिए एक जगह इकट्ठी कर लाई जाए, तो उसी के उद्देश्य से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए जी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान है हमारे पास में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अनकटेड, ये मैंने पिछले दिनों आपके सामने डिस्कस किया, ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स है हमारे पास में एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी रुको 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 जरा रुको जरा, अगले पेज पर भी है। एसडीआर है हमारे पास में स्पेशल ड्रॉइंग राइट,
डब्ल्यू बी है वर्ल्ड बैंक, आई एफ सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आई डी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मीगा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ईसीजीसी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और आगे की ओर चलते हैं तो नेफ्ट है हमारे पास में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईसीआईसीआई है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसी है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चिंता मत कीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए एबी गुरुजी जो हमारा टेलीग्राम का चैट ग्रुप है उसके अंदर अपलोड कर देने वाला हूं। थोड़े समय में सारे जो पेंडिंग है डॉक्यूमेंट सारे नोट्स आपके लिए वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे, चिंता की कोई बात वहां पर आपके लिए नहीं है। कुछ एक फॉर्म्स और है जी, जैसे एमआईसीआर आप देख लो जी, सिडबी का आपको पता होना चाहिए और आईडीबीआई का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में एच डी एफ सी का आपको पता होना चाहिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आई एफ एस सी तो चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ है और बस यही मेरे को याद है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो जी, चलो जी, मैग्नेटिक एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजर एम आई सी आर होता है और बाकी सीट भी, और वो तो आप जानते हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। A commodity is used for multiple purpose, then the demand for it is known as. Answer बताना शुरू कर देंगे dear. बहुत इजी क्वेश्चन है, joint demand इसका आंसर आएगा या composite demand आएगा या direct demand आएगा या autonomous demand आएगा, आंसर बताएंगे dear. हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स पहले ही कंप्लीट करवा दी है, तो जिसने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले जा। स्क्रीन पर टैप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर में एक आई बटन आएगा व्हाइट कलर का, वहां पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, सारी आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी, इकोनॉमिक्स की अलग बना दी है, स्टैटिक्स की अलग है, अकाउंटिंग फाइनेंस की अलग है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग की अलग है, बिजनेस फाइनेंस की अलग है, वो तो आप सबका फायदा ले लीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे चलो एक मिनट पूरा दे देते हैं भाई इस क्वेश्चन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना डियर सभी जने। हाँ ठीक है सर, नहीं करेंगे जल्दबाजी। हाँ जी, अब तो टाइमिंग अबाउट कंप्लीट है। हाँ जी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, यहाँ पर टाइमिंग जो है वो अब कंप्लीट हो गई है। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो है कंपोजिट डिमांड, यार मल्टीपल पर्पज जैसे ही आ गया ना तो कंपोजिट डिमांड उछल कर हमारे सामने आएगा कि मल्टीपल पर्पज यानी मैं, मल्टीपल पर्पज यानी मैं। हाँ जी, इसी तरीके से हीरो की एंट्री यहाँ पर हो गई है। ये लो जी इलेक्ट्रिसिटी की मैं शक्ल बना देता हूँ आपके लिए। चलो जी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एग्जांपल है, ये लो जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फीमेल है, ठीक है ना, बिजली, वैसे भी बिजली, ये बिजली है, ठीक है ना, ये बिजली है। जैसे ही हमने मल्टीपल पर्पज की बात की तो बिजली जो है वो ऐसे आ गई हमारे सामने, ये देखो जी मैं आ गई हूँ। बिजली का इस्तेमाल आप जानते हो कुकिंग में भी कर सकते हो डियर, कुकिंग में बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो, वॉशिंग में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, आयरन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो जी मल्टीपल पर्पज है, मल्टीपल यूसेज है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरीके से स्टील का आप एग्जांपल ले सकते हो डियर, स्टील का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये सब जो है मल्टीपल यूसेज वाले कंपोजिट डिमांड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। जॉइंट डिमांड क्या होती है, जॉइंट में आप जानते हो दो चीजें आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, जैसे इंक पेन की आप बात करते हो तो इंक पेन की अगर डिमांड बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी, कॉपी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो पेन की डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये सब चीज जो है वो जॉइंट डिमांड है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। डायरेक्ट डिमांड में क्या होता है, इसका कोई लेना देना होता है, डायरेक्टली इसकी डिमांड होती है, जैसे एसी गर्मी लग रही है, एसी पंखा, ये सब जो डिमांड है वो सीधी सीधी हमारे पास में डिमांड होती है। ऑटोनोमस डिमांड जो अचानक से आ गई है, जैसे मान लो मेरा एक ब्रांड है एबी गुरुजी नाम का मेरा ब्रांड है, अब मेरे ब्रांड में कुछ खास सेल नहीं हो रही थी तो अचानक से शाहरुख खान आया मेरे से मीटिंग की और उसने क्या कहा कि एबी गुरुजी नाम के ब्रांड की चीजें खरीदनी शुरू कर दो जी, एडवर्टाइजमेंट कर दी मेरी, तो उसके बाद में क्या हुआ अचानक से मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ गई, तो वो जो डिमांड यहाँ पर हम कहेंगे ना वो ऑटोनोमस डिमांड हो जाएगी। खैर ऑटोनोमस आपके लिए जरूरी नहीं है, कंपोजिट और जॉइंट ही आप याद रख लो, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना आप शुरू कर देंगे डियर। हाँ जी चलो जी, इफ बी एक्स वाई इज 0.25 एंड बी वाई एक्स इज 0.64 कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बताना है आपने। हाँ जी, स्टैटिक्स भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है डियर, स्टैटिक्स के भी लेक्चर आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे भी आप देख लीजिएगा, आई बटन वही वहां पर इकोनॉमिक्स के नीचे ही आपको स्टैटिक देखने को मिल जाएगी। हाँ जी, आंसर बताना शुरू करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास में है। हाँ चलो बता ही देता हूँ, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, यहाँ पर बी वाई एक्स आएगा, ठीक है ना,
वाई एक्स आएगा यहाँ पर, गलती से टाइप मिस्टेक हो गया। अब ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे 0.25 इंटू 0.64 तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.16। इसे आप सोल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लो जी बी इसका टिक किया और राधे राधे बोला प्रेम प्यार से और आगे की ओर बढ़ गए। हाँ जी सर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई चिंता की बात नहीं है, सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा डियर, फॉर्मूला पता था तो आंसर आ जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन आ गया डियर आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर बताना शुरू करेंगे डियर। हाँ इफ टू रिग्रेशन कोफिशियंट आर -0.8 एंड -0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर एक रूल आपने लगाना था डियर, स्टैटिक्स करवाते वक्त मैंने आपको वो रूल अच्छे से रटवाया था, लिखवाया था, और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त भी आपको वो रूल याद होगा। हाँ जी चलिए जी बताएं। देखो जी यहाँ पर भी हमारे सामने वही फॉर्मूला है, यहाँ पर देख लो आपने क्या करना है -0.8 इंटू -0.2 करना है। मैथमेटिकल रूल आपको चीख चीख कर बोलेगा कि भाई आप अगर आप दो माइनस वाली फिगर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो प्लस का बन जाता है, एक बार आप प्लस का इसे कर दो ये आपके पास में प्लस का 0.4 आंसर आ जाएगा। लेकिन एक रूल मैंने आपको बताया था भाई अगर रिग्रेशन आपके पास में माइनस में है ना तो कोरिलेशन भी माइनस में ही आएगा, ये आपके पास में एक स्टैटिक्स का रूल है। तो यहाँ पर स्टैटिक्स का रूल जो है वो मैथमेटिकल रूल पर हावी हो जाएगा और यहाँ पर आंसर जो है वो माइनस का 4 ही आएगा, तो माइनस वाला आपके लिए आंसर आएगा डियर। बहुत सिंपल सी बात है, स्टैटिक्स करवाते वक्त मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है सर याद है हमारे को, कोई चिंता की बात है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है और फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अच्छे तरीके से का मतलब आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दबाव के बिना, इसका मतलब ये होता है। चलो जी चलो जी चलो जी, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल, कैश या फिर ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो जी अगर आपको इसका आंसर आता है तब तो दे दोगे, वरना फिर टाइम बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था जी यहाँ पर, देखो जी इसका आंसर हमारे पास में वर्किंग कैपिटल आएगा। मैंने आपको बताया था फंड से मतलब ही वर्किंग कैपिटल होता है डियर, ठीक है ना, फंड का मतलब ही वर्किंग कैपिटल होता है। तो ऐसे में करंट असेट का मतलब अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट से लेते हो तो नहीं कहा जाएगा। आपके पास में होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास में वर्किंग कैपिटल में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वही फंड फ्लो लेकर आएगा। मैंने आपको बताया था जैसे बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, यहाँ पे नॉन करंट असेट है, यहाँ पे करंट असेट है। अगर ये नॉन करंट और करंट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, नॉन करंट और करंट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तभी ही फंड फ्लो होगा जी, वरना फंड फ्लो नहीं होगा। जैसे करंट और करंट के बीच में हुआ, नॉन करंट और नॉन करंट के बीच में हुआ, तब ये ट्रांजेक्शन नहीं कही जाएगी डियर, ये फ्लो ऑफ फंड नहीं कहा जाएगा। जैसे डेटर है हमारे पास में राम, राम से हमने 10,000 रुपए लेने हैं, उसने हमें 10,000 रुपए दे दिए हैं कैश में, हमारे पास में 10,000 रुपए आ गए, तो क्या फ्लो ऑफ फंड होगा, क्या नहीं होगा जी, ये फ्लो ऑफ फंड नहीं है। डेटर हमारे पास में करंट असेट थी, कैश भी हमारे पास में करंट असेट है, तो ये फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। अब ये जरूर कह सकते हो आप कि डेटर ने हमें 10,000 रुपए देने थे और उसने 10,000 नहीं दिया, बल्कि 10,000 के बदले में बिल्डिंग दे दीजिए हमारे को। 10,000 रुपए की कौन सी बिल्डिंग आती है सर, आप बिना कमाल करते हो, पर एक बार के लिए मान लो, एग्जाम्पल है मेरी तरफ से, ठीक है सर मान लेते हैं, तो बिल्डिंग दे दी, तो ये हमारे पास में फ्लो ऑफ फंड एक तरीके से आप कह सकते हो, परचेज ऑफ बिल्डिंग के रूप में आप इसे दिखा सकते हो, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है, या फिर आप इसे करंट असेट डिक्रीज के रूप में दिखा सकते हो, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है, दो राय यहाँ पर नहीं है। ठीक है सर कोई चिंता की बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे डियर। हाँ विच फॉर्मूला इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, काफी इजी क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है डियर। हाँ जी
ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पूछा गया है, फाइनेंशियल लीवरेज का आप जानते ही होंगे, कंबाइंड लीवरेज का भी आप जानते ही होंगे अगर आप ऑपरेटिंग लीवरेज का जानते हैं तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और आंसर सभी का आना शुरू हो चुका होगा आई होप। चलो फिर भी टाइम ले ही लो यार, आज टाइम ले लो आप लोग, आपकी मर्जी जी। चलो इतना टाइम बहुत है। हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास में वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका दूसरा फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया यार मैंने, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। हाँ, ये हमारे पास में आ जाएगा। अगर अगर यहाँ पर सेल्स की जगह पे हम कंट्रीब्यूशन कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं कही जाएगी डियर। सेल्स की जगह पे कंट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हो, और इसका लेक्चर लेते वक्त मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझा रखा है। बात समझ में आ गई क्या सभी को? जी हाँ सर, समझ में आ गई है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना अब शुरू कर देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं जी आंसर क्या आएगा। इतने में आ जाता हूँ 2 सेकंड में। आज गर्मी बहुत है गंगानगर में तो। हाँ जी, टाइमिंग हो गई क्या कंप्लीट? चलो जी हो ही गई, अबाउट टू कंप्लीट ही है तो कंप्लीट कर देते हैं। देखो जी, मैंने आपको बताया था लिस्ट वन और लिस्ट टू के क्वेश्चन को मैच करने वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप वन होता है आप लिस्ट टू को देखेंगे सबसे पहले। आपने देखा पहला एमसीए दे रखा है, अब एमसीए की फुल फॉर्म अगर आपको बताओगे तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, इसमें फुल फॉर्म लिखना जल्दी से शुरू कर देंगे जी। हाँ जी हाँ, देखिए जी, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म मैं बताया था, आपने लिख दिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे पास में होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है? कॉर्पोरेट को कंट्रोल करने का काम करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या करेगी? आईपीओ को कंट्रोल करने की बात करेगी। तो दो हमने पढ़े और दोनों का आंसर हमें देखने को मिल गया, बी का पहला है और सी का दूसरा है। बी का पहला सी का दूसरा सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो सी को टिक किया, आगे की ओर बढ़ गए, बाकी हमने पढ़ना भी नहीं, इरडा और आरबीआई की ओर देखना भी नहीं है जी हमने। पर कोई बात नहीं, अभी घर पर बैठे हैं तो देख लेते हैं। इरडा यहां पर लिख रखा है तो ये आप जानते हो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की ओर लेकर जाएगा डियर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। क्रेडिट कंट्रोल यहाँ पर रिजर्व बैंक की ओर चला जाएगा। पहले का चौथा यहाँ पर देर का है और चौथे का तीसरा यहाँ पर देर का है, सारी चीज मैच हो गई है। सी को टिक किया, बल्ले बल्ले बोली, राधे राधे बोला और आगे की ओर बढ़ गए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, इसी ट्रिक से आपने करना है। और जेआरएफ के लिहाज से अगर आप बात करते हो तो सिर्फ दो ऑप्शन टिक किए, 100% श्योर हुए और आगे की ओर बढ़ गई थी। और ये हमारे पास में जेआरएफ की तैयारी है, अगर सारा मैच करोगे तो वो तो फिर नेट के लेवल की बात आपके लिए हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताना शुरू कर देंगे डियर। हाँ जी चलो जी, अ कंपनी इश्यूज 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, द फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹100 बट द इशू प्राइस इज 95, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन पूरा आ रहा है क्या? चलो थोड़ी नीचे कर देते। ओहो, ये क्या हो गया सर? आप भी ना सर, सॉरी सॉरी जी, सॉरी सॉरी, मुझसे गलत कमांड लग गया और इसी के साथ में लाइट ने दगा कर दी है, लाइट जा चुकी है। हाँ जी चलो जी, फिर से पढ़ो क्वेश्चन और आंसर बताओ। लाइट जा चुकी है, आई एम सॉरी।
चलो तीसरी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में हो सकता है टाइम लग जाए आपको। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रखा गया, क्या क्या कहा था कि जी 10% कोष लगता ही है। अब आपके लिए 10% जो दे रखा है ये क्या है, इंटरेस्ट की रेट ही तो है। जी हाँ सर, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट की रेट बेसिकली डिविडेंड की रेट, तो यहाँ पर 100 रुपये पर ही आप दोगे ना, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपये आ रही है। अब आपको बदले में 100 रुपये मिले थे क्या? नहीं सर, 95 रुपये मिले थे, तो जितने मिले थे उस पर निकालोगे ना। जी हाँ सर, तो इंटू 100 आप कर दोगे यहाँ पर, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो नेट के लेवल की बात नहीं की जाएगी जी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डियर डिवाइड बाय 95 है, तो आप देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 20 आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो आपके पास में 10.53 आ जाएगा। डियर बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, तो 10.53 इसका सही आंसर आएगा। डियर बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा था, तो इसी के साथ में 10 क्वेश्चन मैंने आज से आपके कंप्लीट कर दिए हैं। कितना स्कोर आपका बना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए कुछ कर रहा है, आपकी तैयारी अच्छी खासी करवा रहा है, तो आप इन नंबर पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 8114763310 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी हमने लॉन्च कर रखे हैं, amanbhaiyupi@pnb, इस पर भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी आपका मन करे वो। अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल आपका शुक्र गुजार है, वॉलंटियर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। ये तो स्क्रीन पर आप ग्रुप्स देख रहे हैं, इसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोगों के स्कोर अभी अच्छे आए होंगे ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। तो यहां पे दोस्तों ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, 65वें दिन का लेक्चर मैं यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं। इसे पहले वाले दिनों के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, सारे लेक्चर्स आपको वहां पर प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ रिचार्ज जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट लो फायदा नहीं पाए। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।